मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को इस कदर पलीता लगा रहे हैं। RIS के अधिकारी 75वीं आजादी के अमृत उत्सव के चलते प्रत्येक जिलों में बन पाए गए थे। ग्रामीणों ने मौके पर बताया कि लगभग 50 लाख के लागत से यह अमृत सरोवर बन पाया है, जो कि किसान की निजी भूमि पर बनवा दिया है। साथ ही अमृत सरोवर का काम हो जाने के बाद भी मजदूरी का आज तक भुगतान नहीं किया। बता दें कि मामला चिचोली जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम चिट्टूपुर का है, जहां अमृत सरोवर तो बना दिया पर न ही मौके पर बोर्ड पर अमृत सरोवर से संबंधित जानकारी अंकित की गई है, न ही एक बूंद पानी इस अमृत सरोवर में रुक पाया है। ग्रामीणजनों ने कहा कि इस अमृत सरोवर की नींव भी नहीं खोदी गई है, न ही इसमें काली मिट्टी डाली गई। यही कारण रहा है कि यह अमृत सरोवर फूट गया है, इसलिए सारा पानी बह गया और इसमें पानी रुक ही नहीं पाया। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले की शिकायत वे मुख्यमंत्री से भी करेंगे कि अपना हित साधते हुए अधिकारी ने घटिया निर्माण किया है, जो कि हमारे किसी काम का ही नहीं है। शासन के लाखों रुपयों को हजम करके घटिया निर्माण कार्य किया है। ग्रामीणों ने कहा कि इस मामले की जांच करके दोषियों पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतराम कलमे। संतराम कहाँ के रहने वाले? चिट्टपुरा के। चिट्टपुरा में कोई डैम बना था? हाँ सर, चिट्टपुरा में एक डैम बना था, इधर बाड़ी के पीछे में नाले में बनी थी, उसमें ना कुछ पानी रुक रहा ना कुछ अच्छे से बना हुआ है। अरे कोई को भेज रहे ना, डैम फूटने के चक्कर में ज्यादा नाली खोद दिए और पानी निकाल दिए। ये क्या स्थिति है? स्थिति तो उसको बहुत बेकार है, डैम नाम की है ही नहीं है। वो तो बस एक नाले को बंधान से बना दिया, पानी भी बांध दिया और नाम बना दिया डैम के। ये बोर्ड बनाया है, इस पर कुछ लिखा नहीं है सर? उसमें लिखा तो मैं देख ही नहीं रहा सर। बना दिया बोर्ड, बना दिया डैम, बना दिया। क्या मानते हो, अच्छा काम हुआ? सर हमारे हिसाब से तो ये गलत है। कोई अधिकारी आए थे जांच करने? अधिकारी तो आया था, बन जाएंगे, सुधार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कह दिया और सब निकल गए। पहले बारिश में आया था तो बारिश निकलने के बाद सुधार दूंगा। बारिश निकालने के बाद सुधार दूंगा कह दिया और अभी तक नहीं पता ही नहीं उनके। दूसरा बारिश भी नहीं। काम मजदूरों से करवाया और मशीनों से भी करवाया? मशीन से भी करवाया सर और मजदूरों से भी करवाए थे। बाकी के पेमेंट हो गया, बाकी के पेमेंट हुआ नहीं। क्या इसकी जांच होना चाहिए? सर उसकी जांच तो होना चाहिए, जब तो पेमेंट मिलेंगे और डैम का भी फायदा मिलेंगे, नहीं तो डैम के मतलब क्या है? जांच होके क्या और आगे? नहीं, डैम के डैम तो बनना चाहिए, अच्छी सुधरना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। तो इतना पैसा सरकार ने खर्च किया, डैम बना नहीं तो फिर मतलब क्या है? जैसे जमीन जो बही वाला है पुराने, तो उसको मुआवजा भी नहीं मिला ना, डैम सक्सेस भी नहीं है, कोई काम की नहीं है डैम, देने के लिए कोई कार्रवाई होना चाहिए। इसके ऊपर कोई शिकायत भी नहीं? अभी शिकायत नहीं है, जो सर आ रहे थे मैंने उनको बताए थे, लेकिन ने हो जाएंगे वैसे समय निकलते जा रहा है आ रहा हम कि, लेकिन वो हो जाएगा इसमें ही समय निकाल दिया। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? चिट्टूपुरा के। चिट्टूपुरा की। ये जो डैम बना है कब बना था? ये कौन सा महीना से चालू है? 2 साल होने वाले। क्या स्थिति है इसकी? इसकी स्थिति सर पानी नहीं रुक रहा, पानी नहीं रह रहा, सिंचाई भी के काम पे नहीं आ रहा। क्या मानते हो काम कैसा हुआ? काम क्या है इसमें, आप यहीं के मुरुम डाल दिया, कीचिंग ढंग से नहीं हुआ, न्यू नहीं खुदा इसका नीचे का, तो पानी नहीं रुक पाया, पूरा पानी बह गया, तो बहते रहता है तो पानी नहीं रुकता। हाँ, बारिश में जो जमा हो जाता थोड़ा बहुत, उसके बाद में जो नीचे का न्यू से चालू है पानी, मतलब जाना। क्या मानते हो इसको आप, अच्छा काम हुआ? हमारे हिसाब से तो बेकार, अब हमारे काम में ही नहीं पड़ रहा। डैम नाम के लिए खोद दिया? हाँ, नाम के लिए खोद दिया, जमीन गिरा दिया, जमीन वाला का बिचारे, बही वाला जमीन है, लागानी जमीन। कोई अधिकारी आया यहाँ पे कभी? आया था सर। क्या बोले आपने, बताया इनको परेशानी की? बताया था। क्या बोले? हो जाएगा इसका और नहीं तो दोबारा बन सकता करके, बाकी अब वो पेमेंट भी नहीं हुआ और दोबारा बना भी नहीं, इसको सुधाराना। कितने मजदूरों की पेमेंट नहीं? अब मजदूरी तो सर इसमें 2-3 गाँव के है, ना जाने किसके मिला किसका नहीं, बाकी हम खुद के तो नहीं मिला, तो हम नहीं मिला बोल रहे। मशीन से भी काम करवाए? हाँ, जेसीबी मशीन से काम हुआ सर।